यहाँ पर हदीस में पढ़ देता हूँ वन सलासम तो के, के नमाज पढ़ करके वहां पर गए और औरतें वहां पर थी एक बात गौर करने का यहाँ पर यह है कि औरतें वहां पर थी कौन थी औरतें थी मर्द नहीं थे वहां पर अब जब औरतें थी तो बात भी नबी नबीसम किसके बारे में कर रहे थे औरतों के बारे में बात करेंगे और औरतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे जैसे कि मैं इंडिया में आया हूं मैं एज अ डॉक्टर हूं और मैं इंडिया में आता हूं मैं बोलता हूं इंडिया में हार्ट पेशेंट्स इतने परसेंटेज है तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि हार्ट पेशेंट इतने ज्यादा है क्योंकि मैं इंडियंस को नीचा दिखाना चाहता हूं मैं इंडियंस को बचाना चाहता हूं हार्ट पेशेंट्स पेशेंस मैं चाहता हूं कि हार्ट पेशेंट्स कम हो इंडिया में समझ रहे उसी तरीके से यहाँ पर जब नबी सरसम औरतों के बीच में है तो नबी सरसम बोलते हैं कि मैंने औरतों को ज्यादा देखा जन्न में बेसिकली दूसरी हदीस जो मैंने सही मुस्लिम की चलाई थी पिछले बार उसमें लिखा हुआ कि औरतें जन्नत में भी ज्यादा होंगी क्योंकि औरतें ओवरऑल ज्यादा है मर्द से इसलिए जहन्नम में भी ज्यादा जन्नत में भी ज्यादा ठीक है तो इसलिए नबी सरसम यहाँ पर औरतों को क्योंकि ये कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि औरतों ज्यादा दिखी और इसलिए औरतों ने सद देना शुरू किया समझ औरतों को जब नबी सरसम ने बोला कि गिव आर्म्स सद करो क्योंकि मैंने देखा है कि मेजोरिटी औरतें होती है जहन्नम में लेकिन मेजोरिटी जन्नत में भी लेकिन उस वक्त उनसे सदका ये के लिए और क्योंकि उनको सदका की तरफ ये करना था और उनसे सदका करवाना था नबी सा को इसलिए अल्लाह के नबी सा ने उस तरीके से अपने सेंटेंस को फार्मूलेट किया वहां पर बताया और फिर क्या किया फिर अल्लाह के नबी नबीम बोलते हैं कि उनसे पूछा गया क्यों ऐसा है जानना में क्यों ज्यादा है तो यहाँ पर नबी सल्लम ने फरमाया कि क्योंकि तुम कर्ज करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो यहां कोई हैज का जिक्र नहीं इज नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू वन विटनेस ऑफ वन मैन दे रिप्लाइड इन एफर्मेटिव ही सेड दिस इज द डिफिशियंसी इन हर इंटेलिजेंस अब इसका रिप्लाई में डिफिशियंसी का वर्ड बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं यहां पर नुकसान का वर्ड है ठीक है ना नुकसान का वर्ड यहाँ पर अरेबिक में यूज किया गया जिसका मतलब रिडक्शन भी होता है यहाँ पर डिफिशियंसी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तर्जुमा सही नहीं क्योंकि कुरान की कुछ आयतें हैं वही नुकसान वर्ड के साथ और वहां पर ये बोला गया कि रिडक्शन तो यहाँ पर रिडक्शन ये मतलब में है कि उनके ऊपर में कोई बोझ नहीं है इसके बारे में इंटेलिजेंस में उनका ये नहीं है कमी नहीं बल्कि उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि उनके इंटेलिजेंस में ये रिडक्शन दिया गया और ये कि उनके दिन में ये रिडक्शन दिया गया कि जब उनको हैज आता है तो उनको नमाज नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं बात है कि उनके दिमाग में कमी या उनको आधा अकल होता है ऐसा कहीं पर भी यहां पर लिखा नहीं आधा अकल तो कहीं पर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ रिडक्शन का यहां पर वर्ड है और रिडक्शन इन द इंटेलिजेंस किस केस में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के केस में मतलब कि जहां पर औरतों को ये बोझ नहीं दिया गया इकोनॉमिक में जिसके बारे में बात कर रहा था इकोनॉमिक बर्डन औरत के ऊपर में नहीं दिया गया और इसलिए यहां पर यह बोला गया कि उनको रिडक्शन है उनके लिए ये कमी है उनके लिए कि उनको यहां पर गवाही नहीं देना है मर्दों की जैसा तो ये बारे में बात हो रहा था तो देखिए नुकसान का जो नन कुसुहा का वर्ड जो है यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुरान में भी ये वर्ड आया सूर्य अंबिया की आयत नंबर 21 में आयत नंबर 44 में जहां पर रिडक्शन का वर्ड आया रिड्यूसिंग का वर्ड आया ठीक है ना तो द रिडक्शन फॉर वुमेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम्स लीनियंसली टूवर्ड्स वुमेन बाय नॉट बर्निंग देम विद द सेम एब्लिगेशन एज मेन की रिडक्शन ऑफ़ वुमेन ये इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर में ये बोझ नहीं दिया गया जिस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन नहीं डाला गया ठीक है और इन केस ऑफ टेस्ट मनी टेस्ट मनी के केस में जहां पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते थे वहां पर ये सिर्फ केस है बाकी इब्नल कैयम क्या बोलते हैं अपने बुक में लिखते हैं इब्नल कैयम द वुमेन इज इक्वल टू मैन इन ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी एंड पायटी और ऐसा बात नहीं है कि औरत के इंटेलिजेंस में कोई कमी होता है या इस तरीके से उनके डिफिशियंसी है, है? तो का आधा दिमाग बल्कि एक्स मुस्लिम्स कोई भी मुझे ये नहीं प्रूव कर सकते कि औरतों को आधा दिमाग ऐसा कोई भी हदीस में लिखा हुआ आधा मतलब निस्फ होता है दिमाग ठीक है ना अक्ल होता है निस्फ अकल का कोई भी दलील नहीं है उनके पास ठीक है कहीं भी पूरे पूरे कुरान हदीस में आप लेके आइए अकल है ये कहीं भी हमको नहीं दिखा सकते हैं इब्न इबनिया भी है वो भी बोलते हैं कि वाट एवर देर इज अमंगज ऑफ वुमेन इन विच देर इज नो फियर ऑफ हाइस्परिचुअल एर दे आर नॉट कंसिडर्ड एज हाफ ऑफ मैन कि जहां पर औरतों को डर नहीं है इस बात का कि औरतें गलती करेंगी जैसे कि आ, और भी बहुत सारे मसले होते हैं जैसे कि विलादत का मसला होता है जैसे कि आ, जीना का मसला होता है तो बहुत सारे केसेस में औरत की गवाही मर्द के बराबर होता है ठीक है ना इब्न रुश्द भी यही बोलते हैं ठीक है ना बाय द मेजोरिटी इन पर्सनल राइट्स विदायतुल मुज्तहिद में तो इसलिए ये समझना चाहिए हम लोगों को कि वहां पर अगर ये बोला जा रहा आधा कल तो ये सारे स्कॉलर्स इस्लाम के क्या ये सारे गलत सोच रहे समझ रहे क्या ये सारे लोग जो इब्न इब्न है तैमिया है आ, उसी तरीके से इब्न है क्या सारे गलत समझ रहे ठीक तो ऐसा बात नहीं है और वो जो जिससे वो लोग प्रूफ कर रहे जो चीज उन चीजों से वो चीज सही नहीं है ठीक है हमारे चैनल आई आर पी सी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे